भाई तो निकाल देगा, पर अब किसने फेंकी यहाँ रोड में, नहीं तो राइडर राइडर का क्या बात है उसमें तो आपको मैंने लगा नहीं दिया था साइड पे। अरे बहन को क्या करा है, ये देखो भाई BS6 और BS4, इसको उठा के थोड़ा ऊपर दे साइड लाओ पहले, दो एक्सी मैन गाड़ी रुकी की तो उठी की नहीं, फिर भयंकर यार यहाँ पूरे स्क्रैच आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दो चार दिनों से ना लगातार बारिश आ रही है और स्नोफॉल हो रही है, आज फाइनली धूप आ चुकी है। तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाइक लेके, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये देखो हाथ में चाबी वगैरह है, रोड का काम चल रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, आप देख रहे होंगे भाई। बाइक मुझे रात में यहीं खड़ी करनी पड़ी, ऊपर चढ़ नहीं रही थी टायर में क्योंकि पूरा कीचड़ जमा होकर स्लिप मार रही थी। एग्जॉस्ट ये निकालना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि यहाँ का क्लैंप नहीं है तो बड़ा अटकेगा भाई। लोकल में तो मैं चला दे रहा हूँ पर लॉन्ग में नहीं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, देखो नई वीडियो में एक और नए मोटर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तीन आपको बता चुका हूँ कि स्नो पड़ रही है भाई बहुत दिनों से, मतलब यहाँ नहीं चौकता है, मतलब बहुत दिनों से यहाँ बारिश पड़ रही है, जाके भाई धूप आई है तो स्नो में चलते हैं, जरा आज एक स्नो राइड हो जाए। जा रहे भाई चौकता अगस्त मुनि उखीमठ वाले रास्ते, साथ में और लड़के भी हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा कौन कौन है। वही आरती को लेके जा रहा हूँ मैं पहली बार स्नो में। यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ रुद्रप्रयाग, सामने आप देख सकते हो रुद्रप्रयाग, यही जो है बाकी के लड़के भी मिलेंगे जो साथ में आने वाले हैं आज हमारे साथ चोपता। एंड आई होप यार मुझे बताने की जरूरत नहीं कि चोपता कहाँ है, चोपता ही द प्लेस भाई जहाँ से तुंगनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तुंगनाथ है भाई वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल भाई, टनल के तो मजे ही अलग है। तो ये हम बढ़ चुके हैं भाई अगस्त मुनि वाली साइड, केदारनाथ वाली साइड, सब फाइनली यहाँ से बढ़ रहे हैं चोपता के लिए। और यहाँ के जो लड़के थे वो मिल चुके हैं भाई, दो भाई श्रीनगर के और एक बूपी भाई ड्यूक 250 में, और एक आरसी वाले भाई मिल जाएंगे आगे हमें रॉबिन भाई। तो यहाँ से उखीमठ वाले रास्ते एक अपाची है, अपाची RTR और एक MT-15, एक ड्यूक 250 और एक RC आ जाएगी आगे से। आज नो हाइपर राइडिंग, ओनली स्नो राइड। 12 बज चुके हैं, हम लेट बहुत जा रहे हैं, ऊपर ट्रैक करना तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को भाई, तुंगनाथ जी का ट्रैक तो मुश्किल ही कर पाएंगे। रिएक्शन बड़े तगड़े आ रहे भाई लॉन्डो के, एक तो बहुत लाउड और गया ना आरती लड़की पटा दी मैंने तो लड़की सेट। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई लोगों अगस्त मुनि, तेरा का इस नीचे अगस्त मुनि का कॉलेज, क्रिकेट खेल ले लॉन्डे यहाँ के। हाँ क्या ले, ओ भाई पुलिस गाइस, पुलिस वाले यहाँ पे। ये बढ़िया हुआ कि भाई चेकिंग नहीं कर रहे हैं, घाम ताप रहे थे वो तो भयंकर। एक ट्रैक हो गया भाई यहाँ पे, ये देखो भाई BS6 और BS4। अरे यार यहाँ के साथ गए भैया, ये रहे भाई BS6 वाली, आ जाओ BS4 और BS6 हो रहा है। ये चेक करो भाई, ये रहे अपने बॉयज यहाँ पे भाई रुद्रप्रयाग के, और एक हीरो एक्सट्रीम भी आ चुके अपने साथ। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुंड में, और ये वाला रास्ता जा रहा है भाई केदारनाथ गुप्तकाशी, और यहाँ से हम बढ़ जाएंगे आपका कहाँ चोपता उखीमठ। भाई बड़ा प्यारा जगह है यार, इधर से जाके ना थोड़ा मजा आ रहा है, वरना गोपेश्वर वाली साइड तो बहुत चलेगा यार जाने का। यहाँ तो लग रहा है कि नया जा रहे हैं भाई कहीं ना कहीं, तो ला गया भाई एक सेक्सी मैन। ये देखो भाई एक वाटरफॉल है भाई यहाँ पे प्यारा सा, भयंकर था भाई। भाई नहाना तो नहीं है तुमने, नहाना तो नहीं है, नहाना तो नहीं है। ऊपर जो ये पेड़ है ना भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं, देखो भाई ये चेक करो भाई पेड़। तो ये 250 गई यहाँ पे, तो ये गई भाई रेड ड्यूटी हमारे साथ यहाँ पे। तो अब आप माहौल चेक कर सकते हो, क्या ठंडा वाला हो चुका है भाई, पूरा जंगल आ चुका है भाई चोपता का जंगल में हम पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बर्फ वगैरह भी दर्शन दे देगी भाई, बड़ा सेक्सी है यार इधर, दर्शन दे दिया सफेद सफेद चादर ने। अभी तो बस स्टार्ट हो रहा है, अब मिल गए अपने को बर्फ गंदी वाली, रोड पे जमी हुई नहीं मिल रही है, साइड साइड पड़ी है। चल मेरे लाल गिरना मत तू, बस पिछले साल तो मैं बहुत कुछ सीखा, ये है कि भाई पैनिक नहीं होना, बस चलते जाओ और गाड़ी रुकनी नहीं चाहे। गाइस यार ड्यूक 250 फंस गई, गाड़ी रुकी की तो उठी की नहीं, फिर भयंकर यार रुकना ही नहीं है।
हाँ भाई सीधा चलना है भयंकर, पहले रुक जाओ बर्फ, अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही तो पहले रुक जाएंगे। गाइस यार देखो क्या सीन है यार, यार भाई थोड़ा साइड साइड साइड, क्या हुआ तुम्हें? अरे वो साइड तो खाली और का पूरा, क्या कर रहे हैं तुम ड्यूक राइडर? इसको उठा के थोड़ा ऊपर साइड लाओ, पहले दो मिल जाता। चलो चलो थोड़ा हवा कम करते हैं। गीला रंगीला देश मेरा रंगीला, यहाँ के कदम कदम पे बर्फ बदले रंग, यहाँ की ढोली में रंगोली सात रंग। हाँ लीन मारता हूँ यहाँ पे, अब लीन देखो तुम, तुम्हारे भाई का थारा भाई केड़ी, चल मेरी गाड़ी प्यार से चल मेरी नोरा, क्या है तेरा नाम? नियो। मैं बर्फ में इतना गिर गया हूँ ना भाई, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे को आ चुका है। पिछले साल ड्यूक में बहुत गिराया रात में जाते जाते ना, जाते टाइम हो गया गाइस आफत, तो जब गिरी की गाड़ियाँ। यो वन मोर क्लियर, आ गई वादियाँ, तुम्हारा भाई तो निकाल देगा। थोड़ी बर्फ किसने फेंकी यहाँ रोड में? सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई जेसीबी काम कर रहा है और ऊपर जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत स्नोफॉल हो रही है। अब लगता है भाई यहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ से अभी नीचे निकल रहे हैं वापस, यहाँ गिरना नहीं है अब। अरे बहन कूद, गाइस हो गया क्रैश। हाँ अब आगे से उठा दो, आगे से हैंडल से, बस बस थैंक यू। तो गाइस हो गया स्लिप भाई पहला, कोई नहीं। हाँ दोनों गिरी, ये भी गिरी, मेरे तो ब्रेक ही गायब हो गया भाई। या फिर तीनों गिरी, या फिर तीनों गाड़ी गिरी। रॉबिन भी मेरा ब्रेक टूट गया, ब्रेक मैंने ब्रेक ही नहीं उतार नहीं। अब यार देखो भाई यहाँ पे मेरा क्लच लीवर भी टूट चुका है आरसी का, और यहाँ पूरे स्क्रैच आ चुके हैं, लीवर गायब है। तो इसके बाद देखो क्या हुआ आगे जाके, एक पीछे आप देख रहे होंगे मैक्स वाले भैया आ रहे हैं हमारे पीछे, तो आगे जाके उन्होंने हमको कुछ बोला, तो आप लोग वो देखो वो क्लिप, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या सीन होता। हाँ अरे फिर साइड लग जाए ना तो उसका टायर निकल ही नहीं रहा। हमारे तो ब्रेक रहे, तुम गाड़ी ना, आपकी बात सही है ना, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो ना। हैं अरे तो जो जाए हमें उससे क्या है, तो हम तो अपना घूमना आ रखे नहीं, तो राइडर राइडर गाली क्या बात है उसमें, तो नहीं वो तो हम बाइक के भी तो नहीं लग रहे, तो आपको मैंने लगा नहीं दिया था साइड पे, लगा तो दिया था मैंने जैसे खाली जगह मिली। नहीं नहीं मुझे भी पता, मैं मुझे इस यहाँ पे देखो छोटा सा सीन हो गया था भाई। देखो गाड़ी वाली बात छोड़ो, वो भी अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही है, पर भैया बोल रहे हैं कि डॉट 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 कोई यूट्यूबर लेके गया ऊपर उनका कोई पहचान का, मैंने वो पार्ट म्यूट कर दिया है, और तुम नहीं लेके गए, तुम राइडर होते हो तुम भी लेके जाते, वो लेके गया। तो भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो उससे क्या होता रहा है, ऊपर बाइक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई लेके जाता है, दूसरा तीसरा बंदर लेके जाता है भाई, और हम भी कोई टूरिस्ट है नहीं, हम कितने बार चले गए चोपता भाई, बहुत बार चले गए, तो हमने वो जगह देखी हुई है, एक्सप्लोर करी हुई है, और बर्फ भी मैं 3 साल से मेरे बाइक है 3 साल गया हूँ, तो कोई बड़ी थी नहीं जो भैया बोल रहे कि तुम लेके नहीं गए, बाकी ज्यादा बात को हमने बढ़ाया नहीं, फिर आ गए। तो आपने देखा होगा जेसीबी ने भी वहां पे रुका दिया था, और हमने तुंगनाथ जी के भी दर्शन करे हुए हैं, और चोपता भी गए हुए हैं भाई बर्फ में भी, तो हम बस आज ऐसे फोटोस रील्स बनाने आए थे स्नो में, और हमारा नीचे काम हो गया था। तो फाइनली गाइस अभी यहां से वापस निकल रहे हैं भाई कर्णप्रयाग के लिए, बाकी यही था रात की छोटी सी राइड हमारी भाई, रास्ता बंद था इसलिए पूरे ऊपर तक नहीं गए। वीडियो को एंड करते भाई, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।